अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मैं हूँ कलर्स इन कैनेडा से फरिया, आज आपको लेके आई हूँ बे फ्रंट पार्क। कैनेडा डे फायरवर्क्स होने हैं यहाँ पर, तो और काफ़ी कैनेडा डे का जो है वो सारा इवेंट वगैरह चल रहा है यहाँ पर, तो साथ साथ जो है वो चल के आपको दिखाएंगे कि कैसा इवेंट यहाँ पर जो है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो साथ रहिए और चलिए, आप अपनी साइकिल पे भी यहाँ पर आ सकते हैं, हर जगह पर आपको साइकिल जो है वो रेंट के लिए ला भी सकते हैं और यहाँ से रेंट भी कर सकते हैं। तो ये सहूलत होती है क्योंकि बहुत ज़्यादा वॉक है, तो बेहतर है कि आप अपनी साइकिल यहाँ से रेंट कर लें, और अगर आप चल सकते हैं तो फिर तो क्या ही बात है, फिर आप चल के ही देखिए। तो चलें चलते हैं और साथ साथ देखते हैं। फायरवर्क्स जो हैं वो 10 बजे स्टार्ट होने हैं, बाकी जो भी चीज़ें हैं वो सारी यहाँ पर बोर्ड पर मेंशन की गई है। एक और ये हमारे करीब था, तो हम जो है वो यहाँ पर बे फ्रंट हैमिल्टन पे आए हैं। यहाँ पर इसकी सारी पार्किंग है, काफ़ी बड़ा पार्किंग लॉट है, नीचे ला के आप पार्क भी कर सकते हैं गाड़ी यहाँ पर। हार्बर साइड है, बोट तो बस जो है वो फ्री है, जो है वो आपको राइड देती है यहाँ पर जब कोई इवेंट वगैरह होते हैं। तो जिनकी बोट्स हैं वो यहाँ पर आकर अपनी बोट्स पे एंजॉय कर रहे हैं। मौसम भी थोड़ा सा अच्छा हो गया, आज बहुत गर्मी थी लेकिन अभी शाम के टाइम जो है वो थोड़ा मौसम भी अच्छा होना शुरू हो गया हुआ है। बच्चों के लिए भी स्टॉल्स लगाए गए हैं, बड़ों के लिए भी गेम्स हैं। आगे सामने हैमिल्टन डाउनटाउन की बिल्डिंग है, कैनेडा डे पे कैनेडा डे इन्फॉर्मेशन लेनी है, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही, कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन के लिए भी जो है वो एक स्टॉल लगाया जाता है, यहाँ पर आके आप इनसे अपनी चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं। इस तरह के रेस्ट रूम लगा दिए जाते हैं, वॉशरूम लगा दिए जाते हैं, ताकि जो है वो बाहर कोई गंद वगैरह ना हो और लोग जो है वो यहाँ पर इनको यूज़ कर सकें। ट्रक्स ऐसी जगहों पर लगाए जाते हैं क्योंकि लोग जो है वो सुबह से जब आ जाते हैं तो फिर खाना पीना भी साथ चलता ही है, तो फूड ट्रक जो है वो भी अपनी शॉप्स की काफ़ी उनकी भी जो है वो यहाँ पर पब्लिसिटी हो जाती है और लोगों को पता चल जाता है कि कौन कौन से खाने जो हैं वो यहाँ पर चल रहे हैं, और जो अच्छे होते हैं फिर जो है वो उनको बाद में भी जाके आप इनकी शॉप्स पे भी खा सकते हैं। पर फायरवर्क होगा तो वो भी बड़ा मज़े का होगा देखने में, तो देखते हैं अगर शाम तक हम यहाँ पर रह सके, और ना रह सके तो चलो कोई नहीं, फिर आपको कभी कहीं और का फायरवर्क दिखा देंगे। गर्मी है, आइसक्रीम खाना तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है, और ज़रूरत भी है आज आइसक्रीम की क्योंकि आज बहुत ज़्यादा कनाडा में गर्मी है। और ये देखिए जी, फ्लैग्स भी लगे हुए हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो कनाडा डे को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पर आपको रेड एंड वाइट में भी नज़र आएंगे, और वो कलर पहन के आते हैं ताकि अपना बता सकें कि जी कितना उनको कनाडा से लव है। और कभी गोभी के विंग्स खाए हैं आपने? नहीं ना, यहाँ पर वो भी मिल रहे हैं, और पोटैटो चिप्स जो है वो रिंग वाले मिल रहे हैं। ये देखिए जी, फनल केक मेरा फेवरेट है। ये देखिए, जैसे रेड एंड वाइट में आपको बता रही थी, तो यहाँ पर जो है वो सारे आते हैं। स्टेज जो है उसको भी रेडी किया जा रहा है ताकि जो है वो नेक्स्ट जो है वो परफॉर्म करना शुरू करेंगे 6 बजे से, तो फिर देखते हैं कि 6 बजे से क्या परफॉर्मेंस शुरू होती है। जगह है जहाँ पर आप खड़े होके तो सारा पानी का व्यू देख सकते हैं, लेकिन फिलहाल उन्होंने सेफ्टी के रीज़न से यहाँ पर इसको बंद किया हुआ है। अभी तो यहाँ पर दोपहर के तकरीबन 3:30 बजे हैं, तो अभी भी रश है, लेकिन ज़्यादा जो है वो तकरीबन 6 बजे के करीब जो है रश होना शुरू हो जाएगा। ये कूलर लगाया गया है, फ्री वाटर बॉटल 1 पर पर्सन। ये बच्चे जो हैं वो भी बड़ा एंजॉय कर रहे हैं, और ये अच्छी बात है कि यहाँ पर ये एक्टिविटीज़ जो हैं वो ज़्यादातर फ्री हैं। तो थोड़ा थोड़ा सा क्लाउडी होना शुरू हो गया है, और हवा भी साथ साथ थोड़ी थोड़ी सी शुरू हो जाती है। काफ़ी जगह पर जो है वो इन्होंने रोड बंद कर दी हुई है, साथ ही रेलवे का भी ट्रैक है सारा, और ये जो है पुरानी बोर्ड्स भी यहाँ पर खड़ी हैं। स्वान्स भी आई हुई है यहाँ पर, छोटे छोटे से बेबीज भी हैं साथ। जगह जगह पर लोग जो हैं वो अपना लंच वगैरह लेके आए हैं, टेबल लगा के आराम से बैठ के अपना जो है वो एंजॉय कर रहे हैं।
तो इस तरह का ये सारा इवेंट है यहाँ पर, और काफ़ी लोग आ गए हैं, काफ़ी लोग साथ साथ आते जा रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा, और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा अगर आप कनाडा की डिफरेंट चीज़ें जो है वो उनको एंजॉय करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं। तो नेक्स्ट टाइम फिर आपके साथ होंगे, तब तक टेक केयर, बाय, बी सेफ, अल्लाह हाफिज़।